हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक कंपोजिशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस, एयर, वाटर, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। यानी सॉइल ग्रेवल से, सैंड से, क्ले से, ह्यूमस, एयर, वाटर, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये सारी चीज़ें एयर में, वो सॉइल में होती हैं। सॉइल कंटेनिंग सैंड्स, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस इज कॉल्ड लूम। जो सॉइल के अंदर सैंड होती है, क्ले होता है एंड ह्यूमस होता है, उसको बोलते हैं लूम। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। यानी कि जो लोमी सॉइल होती है, लोम, इनमें ये सारी चीज़ें होती हैं सॉइल में, तो वो जो सॉइल होती है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। ओके, नाउ द टॉपिक सॉइल प्रोफाइल। व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? सॉइल प्रोफाइल्स टेल अस अबाउट द लेयर्स ऑफ द सॉइल। यानी सॉइल प्रोफाइल में ये बताया जाता है कि सॉइल की कितनी लेयर्स हैं, ठीक है ना, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपने देखा होगा टॉप सॉइल, यानी जो फिगर, जो डायग्राम जो दिख रहा है आपको, इसमें कई लेयर हैं, तो उसमें सबसे ऊपर वाली लेयर है, यानी उसको बोलते हैं टॉप लेयर। टॉप लेयर, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल। यानी जो टॉप लेयर होती है उसे बोलते हैं टॉप सॉइल। इट कंटेन्स मोर ह्यूमस देन एनी अदर लेयर। अब इसमें जो होते हैं, सबसे पहली वाली लेयर जो होती है, फर्स्ट लेयर जो होती है, इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है। ह्यूमस ही क्या चीज़ होती है? ये डेड प्लांट्स होते हैं, मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं, और जो डेड बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो इंसान की हों, चाहे किसी एनिमल की हों, उनकी जो रिमेनिंग पार्ट्स रह जाते हैं, उन्हें से मिलकर ह्यूमस बनता है, ठीक है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। यानी कि ये फर्टिलाइज़र यानी खाद का काम करता है। ह्यूमस प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। यानी ह्यूमस का काम क्या है? सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देता है, और वो न्यूट्रिएंट्स देता है जो प्लांट्स को ज़रूरत होती हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय प्लांट्स टू ग्रो। और उन जो न्यूट्रिएंट्स अर्थ ले लेती है ह्यूमस से, वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। टॉप सॉइल ऑल्सो होल्ड्स मोस्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। यानी टॉप सॉइल में ही प्लांट्स की जो जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पकड़ी रहती हैं। टॉप सॉइल ही अंदर नहीं जा पाती हैं ज़्यादा गहराई तक, यानी टॉप सॉइल में ही वो जड़ें जो हैं, उसकी रूट्स जो हैं प्लांट्स की, वो जकड़े रहती हैं। नाउ द सेकंड टॉपिक सब सॉइल। अब सब सॉइल क्या है? ये टॉप लेयर है, इसके नीचे जो है वो सब सॉइल पार्ट है, सब सॉइल लेयर है। सब सॉइल द लेयर बीनेथ द टॉप सॉइल। बीनेथ माने होता है नीचे, जो टॉप सॉइल के जो नीचे वाली है वो इस कॉल्ड द सब सॉइल। इट इज़ हार्डर। यानी ये जो है, ये वाली जो लेयर होती है वो इस वाली लेयर से थोड़ी हार्ड होती है, मीन्स ये सॉफ्ट होती है, उससे ज़्यादा थोड़ी हार्ड ही होती है। इट इज़ हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल, ठीक है। इट डज नॉट हैव मच ह्यूमस। इसमें इतना ह्यूमस नहीं होता जितना इसमें होता ऊपर वाली में। इट इज़ रिच इन सॉल्यूबल मिनरल, लेकिन इसमें इन सॉल्यूबल मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। बेड रॉक एंड दिस इज द थर्ड लेयर। द बेड रॉक द लोएस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज बेड रॉक। यानी सबसे नीचे वाली जो लेयर है अर्थ की, उसे क्या बोलेंगे? बेड रॉक। यानी कि बेड तो जानते ही आप, और रॉक मीन्स चट्टाने, चट्टानों का जो बिस्तर है। इट कंटेन्स ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे पीसेज होते हैं रॉक्स के। इट इज़ नॉन पोरस। यानी कि ये नॉन पोरस का मतलब, एक पोरस होता है जिसका मतलब होता है छोटे छोटे छेद होता होना, यानी इसमें छेद नहीं होते हैं। यानी कि जैसे इनमें होते हैं छोटे छोटे बारीक, इनमें बीच में गैप नहीं होता। रेन वाटर गैदर्स ओवर इट टू फॉर्म द वाटर टेबल। यानी जो वर्षा का पानी जाता है अर्थ में से होता हुआ, वो यहाँ पर जाकर रुक जाता है, इससे नीचे नहीं जाता, ठीक है ना। अब इसी से पानी इसके ऊपर ही कलेक्ट होता चला जाता है, यही वाटर लेवल बनाता है। यदि पानी बारिश का कम आएगा तो वाटर लेवल कम हो जाएगा, और यदि पानी हो गया तो वो ये भरता हुआ चला जाता है ऊपर तक, ठीक है ना। जैसे ज़्यादा बारिश होगी तो ये वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा,
नाउ द टॉपिक सॉइल इरोजन. अब सॉइल इरोजन हम टॉपिक लेके चलते हैं. व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी जो सॉइल होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, यानी कि किसी के भी जरिए से जाए, वो चाहे एनिमल्स ले जाएं, चाहे उसे पानी बहा के ले जाए, चाहे हवा उड़ा के ले जाए, यानी कोई भी चीज़ उस एक जगह से सॉइल को दूसरी जगह ले जाती है, उस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं. ठीक है ना. लूज एंड अनकवर्ड टॉप सॉइल, यानी कि जो मिट्टी ढीली हो जाती है सॉइल और या अनकवर्ड होती है, किसी चीज़ ढकनी होती है, टॉप सॉइल इज़ कैरिड अवे बाई स्ट्रॉन्ग विंड. या तो तेज़ हवा चलती है तो मिट्टी जो जो लूज होती है वो उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाती है. एंड वाटर, और जब कभी तेज़ पानी होता है तो पानी मिट्टी को बहा के ले जाता है. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन. दिस रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड ओवर ग्रेजिंग आर इन इट्स मेन कॉजेज, यानी कि पेड़ों के काटने से क्या होता है, वो उससे भी सॉइल इरोजन होगा. क्यों होगा? उसका रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ. ओवर ग्रेजिंग से भी जो है सॉइल इरोजन होगा. क्यों होगा? क्योंकि देखो उसके रीज़न है कई, क्योंकि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो इसको सॉइल को जकड़े रहती हैं, होल्ड करे रहती हैं, और तो पानी का फोर्स भी आएगा तो वो जड़ें उसकी पकड़े रहेंगी, तो क्या होगा, तो मिट्टी जाएगी नहीं दूसरी जगह. और ऐसे ही ओवर ग्रेजिंग, जब हम एनिमल्स को खेतों में ग्रेज कराते हैं तो होता क्या है कि उनके पैरों से भी या उनके खाने पीने से भी पेड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो उनसे जो उनकी जड़ें होती हैं वो भी साथ में ख़राब हो जाती हैं, और जो होल्ड करी हुई है जो सॉइल को, उनकी जो रूट्स वो है वो फ्री हो जाती है, वो सॉइल फ्री हो जाती है, और इससे जो है सॉइल इरोजन हो जाता है. सॉइल इरोजन लीव्स इनफर्टाइल सब सॉइल दैट इज़ नॉट फिट फॉर ग्रोइंग एंड कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स. यानी कि जब सॉइल इरोजन हो जाता है तो उसके बाद जैसे यहाँ की ऊपर की लेयर जो है यहाँ से उड़ के दूसरी जगह पहुँच जाए तो यहाँ की जो लेयर हट जाएगी. अब ये इसके बाद जो पार्ट होगा, इसके बाद जो लेयर होगी वो इनफर्टाइल हो जाएगी. इनफर्टाइल का मतलब अनउपजाऊ, यानी यहाँ पर हम कोई भी चीज़, यहाँ हम आपके पास कोई भी चीज़ उगा नहीं सकेंगे. फिर जैसे ऊपर वाली लेयर चली गई यहाँ से उड़ के पानी से, वो हवा से या पानी से या कोई इसे डक करके ले गया, मीन्स खोद के ले गया, तो यहाँ की लेयर बेकार हो गई और यहाँ की जो मिट्टी है वो इनफर्टाइल हो जाएगी. मीन्स यहाँ पर आप प्लांट्स वगैरह कोई भी लगाएंगे तो वो ठीक से ग्रोथ नहीं करेंगे. ठीक है ना. उसके क्योंकि इसमें ह्यूमस नहीं होंगे, क्यों, इस वाली लेयर में ह्यूमस वगैरह कम होते हैं और प्लांट्स को चाहिए न्यूट्रिएंट्स बढ़ने के लिए, तो प्लांट्स जो है कर ही नहीं पाएगा, ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा. तो इसी प्रकार अब टॉप सॉइल इरोजन से क्या होता है, जो अर्थ होती है और वहाँ पर जो बच्ची रह जाती है वो इनफर्टाइल हो जाती है और कल्टीवेटिंग नहीं होती, यानी खेती नहीं कर पाते और क्रॉप्स नहीं कर पाते कोई. अब आता है टॉपिक सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन का मतलब सॉइल को कैसे बचाया जाए. इट इज़ सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. अब भाई सॉइल प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है तो उतनी ही हमारे भी है उतनी, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, हम नहीं होंगे, हमें खाना कहाँ से मिलेगा. इसी प्रकार जो है जैसे सॉइल प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लांट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनडायरेक्टली सॉइल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली तो है. इट प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट अ प्लांट नीड्स टू प्रिपेयर फूड. यानी कि ये है, प्लांट्स को वो सारे न्यूट्रिएंट्स देती हैं जो फूड तैयार करने में वो उनको ज़रूरत पड़ती है. देयरफॉर सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड. इसलिए जो है सॉइल इरोजन को रोकना चाहिए, यानी कि हमें किसी भी तरीके से एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह नहीं ले जानी चाहिए या किसी वो से जाने से बचाना चाहिए. द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन इज नोन एज द सॉइल कंजर्वेशन. जब हम सॉइल कंजर्वेशन कहते किसको हैं, यानी प्रोटेक्ट करना, यानी कि सॉइल को प्रोटेक्ट करना, सॉइल की रक्षा करना फ्रॉम इरोजन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए, उसके बचाव को ही हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं. सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाई, अब किस किस के द्वारा हम कैसे कर सकते हैं सॉइल को कंजर्व बचा सकते हैं. प्लांटिंग मोर नंबर ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज टू रिप्लेस वंस दैट आर कट डाउन. यानी कि हमें क्या करना चाहिए,
नए प्लांट्स लगाने चाहिए, किसकी जगह, जो हमने जंगलों में काट दिए उसकी जगह पर नए प्लांट्स लगाने चाहिए, और अंधाधुंध हमें कटिंग नहीं करनी चाहिए प्लांट की। ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द फार्म लैंड टू रिकवर द इट्स फर्टिलिटी, यानी कि हमें बार बार एक ही फसल नहीं करनी चाहिए, हर बार चेंज कर करके हमें क्रॉप करनी चाहिए ताकि उसकी फर्टिलिटी योग्य तो ही बनी रहेगी। दिस मेथड इज नोन एज अ क्रॉप रोटेशन, यानी इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन, यानी कि अब की से एक क्रॉप कर ली तो आप अगली बार जो है दूसरी क्रॉप करेंगे, हर बार सेम क्रॉप करते रहेंगे तो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। बिल्डिंग ऑफ डैम एक्रॉस रिवर्स टू प्रिवेंट फ्लड, यानी कि बाढ़ आने से क्या होगा, जो फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी तो क्या होगा, मिट्टी भी बह जाएगी उसकी फोर्स से, पानी की फोर्स से, वाटर की फोर्स से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूज नदियों में पानी आ रहा है फ्लो में, तो बाढ़ आने से बचाने के लिए हमें डैम बनाने पड़ेंगे, बांध बनाने पड़ेंगे ताकि वो फ्लड को रोक सकें, और फ्लड रुक जाएगी तो क्या होगा, मिट्टी भी कम कटेगी, और मिट्टी कम कटेगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा और सॉइल कंजर्वेशन होगा उसकी जगह। ओके स्टूडेंट, टुडे इट इज़ एनफ फॉर टुडे, द नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड सून। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।